क्या आपको पता है नेशनल हेल्थ पोर्टल इंडिया के हिसाब से हर 100 में से 16 इंसान अपने लाइफ टाइम में ओसीडी फेस करता है। यह आमतौर पर 20 साल की उम्र में शुरू होता है, हालांकि यह किसी भी उम्र में हो सकता है, जिसमें 2 साल के बच्चे भी शामिल हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रियंका चोपड़ा, डेविड बेकम, विद्या बालन, फरहान अख्तर, दीपिका पादुकोण, डोनाल्ड ट्रंप, ये सब भी ओसीडी के शिकार रह चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओसीडी के सिम्टम और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें इंसान वही सब चीज़ें दोहराने की कोशिश करता है जिसमें उसको सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि ना मिली हो। इंसान एक बार नहीं बल्कि बार बार उसी काम को दोहराता है। ये मेंटल इलनेस उन लोगों को ज़्यादा होता है जिन्हें स्ट्रेस और हर समय एंजाइटी सताती रहती है। इससे उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। यहाँ तक कि इसका इलाज अगर समय पर ना किया जाए तो पेशेंट की सेक्सुअल लाइफ भी इससे प्रभावित हो सकती है। ओसीडी किसी भी तरह से हो सकता है। पेशेंट को खुद को साफ रखने की लत लग जाती है। आमतौर पर लोगों को एक बार में किसी काम या चीज़ से सेटिस्फैक्शन हो जाती है, लेकिन ओसीडी के पेशेंट एक बार में किसी काम या किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, जिसके लिए वो उसी काम को बार बार दोहराते रहते हैं। अब हम जानेंगे ओसीडी के सिम्टम के बारे में। पहला है कि ओसीडी डिसऑर्डर के दौरान इंसान का दिमाग एक जगह काम नहीं कर पाता और हमेशा चिंता लगी रहती है। दूसरा है कि ओसीडी से सफ़र करने वाले लोग गंदगी से बहुत डरते हैं, वो हर बार अपने आप को साफ रखने की कोशिश करते हैं। तीसरा है कि ओसीडी से सफ़र करने वाले कुछ लोग बार बार चीज़ों की जांच करते हैं, जैसे कि गैस बंद है या नहीं, दरवाज़ा बंद है या नहीं आदि। चौथा है कि धर्म और पाप से डरने वाले लोग ये सोचते हैं कि अगर उनसे कुछ गलत हो गया तो भगवान उन्हें श्राप दे देंगे और इसके बाद उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। पाँचवा है कि ओसीडी से सफ़र करने वाले लोग पैसे को फालतू में ही बार बार गिनते रहते हैं या बार बार हाथ धुलते रहते हैं, और ऐसे लोग बेवजह की चीज़ों को भी संभाल कर रखते हैं। अब हम जानेंगे कि किस कारण से ओसीडी लोगों में होता है। ओसीडी से सफ़र करने वाले लोगों में पाया गया है कि दिमाग के आउटसाइड पार्ट और इनसाइड पार्ट के बीच तालमेल का अभाव होता है। ऐसा पाया गया है कि न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन के असंतुलित फॉर्मेशन के कारण ओसीडी जैसी बीमारी लोगों में पाई जाती है। इस ओसीडी की वजह कुछ केस में जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, साथ ही दिमाग में खराबी और स्ट्रेस मतलब जिंदगी में असंतुलन भी वह वजह है जिनकी वजह से ओसीडी की बीमारी लोगों को होती है। फिलहाल इस पर रिसर्च जारी है। हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक हरकत को दोहराते हैं या किसी बात की बहुत चिंता करते हैं या फिर किसी चीज़ से डरते हैं तो आप ओसीडी के शिकार हैं, क्योंकि चिंता करना बुरा नहीं है, लेकिन चिंता को खुद पर हावी होने देना और फिर उससे अफेक्ट होकर अपनी लाइफ को रिस्क में डालना ये गलत है। ओसीडी से सफ़र करने वाला इंसान जुनून और अनवांटेड थिंकिंग से घिरा होता है। उसका अपने दिमाग और अपनी हरकतों पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। अब हम जानेंगे ओसीडी के ट्रीटमेंट के बारे में। ओसीडी डायग्नोसिस होने के बाद साइक्रेस्टिक दवाइयाँ देते हैं जिनकी मात्रा में बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है। एक दवाई काम ना करे तो दूसरी बदल कर देनी पड़ सकती है। इसीलिए मेंटल इलनेस का इलाज कराते समय हमें पेशेंस रखना चाहिए। केवल दवाइयाँ ही कारगर नहीं होती, बिहेवियर थेरेपी भी दी जाती है। जैसे जो इंसान 15-15 मिनट पर हाथ धोता हो उसे कहा जाएगा कि आधे घंटे तक हाथ नहीं धोने हैं। ओसीडी से सफ़र करने वाला इंसान बेचैन होगा, पर उसे बार बार कहना होगा कि हाथ ना धोने से कुछ नुकसान नहीं होगा, तुम ठीक हो, कुछ गलत नहीं हो रहा है। साइकोथेरेपी के और भी तरीके हैं जो पेशेंट के हिसाब से साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट को दवाइयाँ और बिहेवियर थेरेपी से लाभ मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी ओसीडी ना हो तो आप अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव कर सकते हैं जो कि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रखने में मदद करेगा, क्योंकि ये डिसऑर्डर मेंटल स्ट्रेस के शिकार इंसानों में देखा जाता है। इसीलिए कुछ बदलाव के जरिए इससे बचने में हेल्प मिल सकती है।
पहला तरीका है कि रोज़ 15 मिनट ही सही लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन का स्तर कम होता है, इससे आप मेंटल रूप से हेल्थी रह पाते हैं। दूसरा है कि बॉडी के लिए ज़रूरी विटामिन और मिनरल का पर्याप्त सेवन करें। डॉक्टर से सलाह लेकर आप इसके लिए सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है कि अपने आहार में कैफीन की मात्रा बिल्कुल कम और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इससे दिमाग को आराम मिलने में दिक्कत होती है और वह खुद को रिलैक्स नहीं कर पाता। चौथा है कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, इससे आपका दिमाग थोड़े देर व्यस्त रहेगा और आपको अनवांटेड थिंकिंग से बचने में हेल्प मिलेगी। पाँचवा है कि नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे दिमाग खुद को रिलैक्स करके अनवांटेड थिंकिंग से खुद को मुक्त कर सकता है। अगर आपने OCD को समझने में देर कर दी तो ये आपके लिए और आपके फैमिली के लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के शिकार आप तभी होते हैं जब आप खुद पर अपने विचारों को हावी होने देते हैं। यदि आप समझबूझ के काम लेंगे और खुद को स्ट्रेस मुक्त खुशहाल रखेंगे तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय होगा। इसीलिए खुद को स्वस्थ रखिए। वो कबीर दास जी की लाइन है ना कि चिंता ऐसी डाकनी, काटी करेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खवाए। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने कितनी सुंदर बात कही है कि चिंता ऐसी डायन है जो कलेजा भी काट कर खा जाती है। इस चिंता का उपचार के लिए बेचारा डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, वो कितना दवा खिलाएगा। इसीलिए चिंता सिर्फ उतनी ही करिए जितनी ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो शेयर करके हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप अब भी थैंक यू बोलने के बाद भी ये वीडियो देख रहे हैं तो अब आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं बल्कि फैमिली हैं हमारी। इसीलिए आपके लिए बस दो ही लाइन कहना है कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, रख भरोसा उस खुदा पे, देख फिर होता है क्या। डबल थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।